सरगुजा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के आतंक से आम ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए कलेक्टर कुंदन कुमार ने मैनपाट के हाथी प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान कलेक्टर ने जंगली हाथियों से क्षतिग्रस्त घरों के स्वामियों को तत्काल राहत राशि देने के लिए वन विभाग को आदेश दिए हैं। वहीं हाथियों से बचाव के लिए कलेक्टर ने हाथी सेफ हाउस की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ वन मंडलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने हाथियों से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को शासन के नियमानुसार मुआवजा राशि दिलाने और आश्रय स्थल सहित अन्य सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों की मुआवजा राशि लंबित होने की जानकारी देने पर वन विभाग के रेंज को फटकार लगाई है। आज मैनपाट जनपद पंचायत के अंतर्गत कंड राजा ग्राम पंचायत के एक पारे में आए थे, जहाँ पे हाथियों के द्वारा उत्पात मचाया गया है। कई घरों में घुमा और देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हुआ है, और परसों ही जहाँ हाथी आया था 3 घरों को, तो उसमें 100% डैमेज किया है। तो उसके लिए जो कंप्लीट जो बनता है उनका मुआवजा 1,10,000 रुपये, वो मुआवजा उनको 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा।